ये कलाकृति नगर सुशोभन अभियान के तहत हो रहा है कि काम मंत्री जी के उससे, और ये सब मधुबनी आर्ट इस पे बनाया जा रहा है। सर ये जो हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं सर, लोग आने जाने वाले जितने लोग भी हैं, मतलब कुछ लोग इस पे गंदगी करते हैं, गुटखा पान खा करके थूक देते हैं, गंदा करते हैं, सर इसके लिए भी कुछ किया जाए? एक बार फिर से हमारे चैनल न्यूज उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत करते हैं। और अभी हम खड़े हैं धर्मशाला बाजार काली मंदिर के इस ओवरब्रिज के नीचे, जहाँ पे रंगाई हो रही है, कलाकृतियाँ बन रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोरखपुर कितनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, बदल रहा है, जब से हमारे सीएम गोरखपुर के सीएम योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, गोरखपुर का बदलाव कितनी तेज़ी से हो रहा है। और इसी क्रम में जो भी दीवारें, खाली दीवारें पड़ी हैं, उसको भी कलाकृतियों से रंगाई हो रही है, उस पर अच्छे अच्छे डिजाइनें बन रही हैं, ताकि लोग बाहर से जो लोग आए उसको देखें। और वाकई आपके पीछे बैकग्राउंड में भी दिख रहा है कितनी अच्छी कलाकृति है। और हमारे बगल में जो भैया खड़े हुए हैं, ये वाकई एक आर्टिस्ट हैं, जो इन कलाकृतियों में आकृति दे रहे हैं, जान फूंक रहे हैं। और इनसे हम जानेंगे इस कलाकृति के बारे में कि ये कलाकृति है क्या, कहाँ की ये डिजाइने हैं। कौन सा भैया, अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है जी, मैं बसारतपुर राम जानकी नगर में रहता हूँ। और ये कलाकृति नगर सुशोभन अभियान के तहत हो रहा है कि काम मंत्री जी के उससे, और ये सब मधुबनी आर्ट इस पे बनाया जा रहा है कि शहर को थोड़ा और सुंदर बनाया जाए, बाहर से लोग आए तो देख के थोड़ा प्रभावित हो, और शहर की सफाई व्यवस्था पे भी लोगों का ध्यान जाए कि हाँ मतलब सुंदर शहर लगे जी, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। और ये आपने कहाँ से सीखा धर्मेंद्र जी इसको? आपने सर ये बस ये गॉड गिफ्टेड है, बस बचपन से प्रैक्टिस करते करते सीखे हैं। अभी जैसे गोरखपुर को स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तौर स्वच्छता में बदलाव लाने के लिए कि गोरखपुर हमारा स्वच्छ दिखे, तो आप जनता से अपील भी करते हैं। जैसे अब इन्होंने पूरी मेहनत करके धूप में जल के इन्होंने आर्ट बनाया कि अब इस पर कोई इश्तहार ना चिपकाए, कोई थूके ना, अब हमारा भी एक फर्ज बनता है कि इस कला को बचाने के लिए। धर्मेंद्र जी आपसे एक सवाल है कि आपको ये ड्राइंग करते हुए या कला करते कितने समय हो गया? ये हमको लगभग 30 साल हो गया सर। 30 साल हो गया जी। तो अभी आपके जो बच्चे हैं या फिर और जो परिवार के सदस्य के लोग हैं, उनको भी इस फील्ड में लाना चाहते हैं? सर लाना तो चाहते हैं, लेकिन सबका अपना अपना चॉइस होता है जी। कोई किसी लाइन में जाना चाहता है, कोई किसी लाइन में, लेकिन बच्ची है मेरी, वो थोड़ा बहुत बनाती है, लेकिन अभी वो उतना ज़्यादा वो नहीं करती है। तो एक जो नॉर्मल कलाकृति है और मधुबनी ये कलाकृति, इन दोनों में अंतर फर्क क्या है? अंतर फर्क है कि वो पुरानी शैली जो होती है, क्या कहते हैं, पारंपरिक जो पिक्चर होती है उस टाइप की होती है, उसमें लाइनिंग वर्क ज़्यादा होता है, परंपराओं से जुड़ा होता है। जैसे पहले के लोग कैसे खाते बनाते थे, कैसे रहते थे, वो पूरी जीवन की वो गाथा जो है उसमें चित्र में अपने दिखाते थे लोग उस कलाकृति में जी। तो दर्शकों, जैसे कि धर्मेंद्र जी बता रहे कि मधुबनी आर्ट की विशेषता ये होती है कि इसमें जो भी कलाकृति बनती है एक एज ए पिक्चर सीरियल की तरह होती है, पूरी सीन क्रिएट करते हैं कि पुराने लोग सारी गाथा उसमें दिखाते, जीवन की पूरी गाथा की, पुराने रहन सहन कैसे हुआ करते थे, खान पान कैसे रहते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, सारे सब कुछ इसमें होते हैं। और ये बारीक लाइनों से ये बना के इसमें डिजाइनिंग बनती है। धर्मेंद्र जी एक बार बताइए, इसमें जो आप कलर का प्रयोग करते हैं, इसमें कौन सा कलर होता है? ये वाटर बेस है, वाटर एनामल टाइप का आता है जी, वही है। तो ये धूप और ये बरसात में कितने सालों तक ये टिकाऊ रह सकता है? ये देखिए सर, पेंटिंग जो है कोई भी ज़्यादा दिन तक रह सकता है, जब तक वो सीलन नहीं पाता है तब तक वो नहीं ख़राब होगा, जब पीछे से नमी पाता है तभी वो पेंटिंग जो है ख़राब होता है। और धूप तो हर चीज़ पे असर पड़ता है उसका, धूप का असर तो हर चीज़ पे पड़ता है, तो वो फेड होना ही है, तो 3-4 साल के बाद तो फेड हो ही जाता है। तो 3-4 साल तक ये आपका चल जाएगा। तो अभी ये पेंटिंग बनाते हुए आपको कितना समय हो गया? ये लगभग 1 महीना हो गया, एक महीना होने जा रहा है, पूरा नहीं हुआ है, 20-22 दिन हो गया। तो
एक और आपसे सवाल है कि आप ये जो पेंटिंग बना रहे और जो आप मॉडर्न आजकल फ्लैक्स आ गया है, तो आपके रोजगार पे और फ्लैक्स ने कितना असर ये किया है? असर तो सर बहुत बड़ा था, लेकिन जब से ये सब काम शुरू हुआ है तब से बहुत मतलब सभी लोग को रोजगार मिल रहा है। पेंटिंग लाइन से जो लोग जुड़े थे पहले, वो सब लोग धीरे धीरे लाइन चेंज करने लगे थे, टूट चुके थे, काम ही नहीं था। जब से ये सब ये पेंटिंग ये नगर सुशोभन या अभियान वाला ये स्वच्छता वाला जो भी है ये सब निकला है, तब से थोड़ा लोगों को रोजी रोटी पे वो मिला है, एक उम्मीद जगी है कि हाँ पेंटिंग को जिंदा रखा जा सकता है अभी। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब से फ्लैक्स आया है, जो हमारे पेंटर भाई थे जो हाथ से पेंटिंग करते थे और फ्लैक्स तुरंत मशीन से निकाल देता था, वो चीज पे बहुत असर पड़ा है। जैसे पेंटिंग लाइन जो है एकदम विलुप्त तो होने के उसमें आ गया था फ्लैक्स की वजह से, लोग नए लड़के इस लाइन में आना ही नहीं चाहते थे, कोई स्कोप ही नहीं दिखाई दे रहा था। अब ये सब काम जब से निकला है तब से लोगों को थोड़ा जिज्ञासा बढ़ रही कि हाँ ये भी एक लाइन है, इसमें भी आना चाहिए। तो एक बार आपके साथ जो जो साथी लोग हैं उनको बुला दीजिए। उनका लक्ष्मण प्रसाद जी, खरैया पोखरा निवासी गोरखपुर। कितने साल हो गए आपको इस लाइन में आते हैं? 35-36 साल हो गया। तो 35-36 साल में आपके फैमिली में आपके बाल बच्चे जो है वो भी चाहते हैं इस लाइन में आना, आगे उनको बढ़ा रहे हैं? कुछ नहीं आना चाहते हैं, वो अपना अपना अलग लोग चॉइस करते हैं। ऐसा क्यों, मतलब क्या है? नहीं, कुछ जीविका की परेशानी आई थी जी। ये मेरे गुरु जी भी हैं। इनको नाम हम ग्राम बनगाई टोला रहरवा जिला गोरखपुर के रहने वाले हैं, थाना गुलरिया है, और नाम अजय कुमार है। हम लक्ष्मण प्रसाद देसाद खरैया पोखरा सारसपुर गोरखपुर के निवासी हैं। गोरखपुर वासियों से अनुरोध करते हैं कि हम लोग जो ये पेंटिंग कर रहे हैं इस पर आप लोग थोड़ा सफाई पर ध्यान दीजिए, पान गुटखा कोई भी ऐसा गंदा चीज खा करके इस पर मत छूटिए, क्योंकि ये गंदा लगता है तो अच्छा नहीं लगता। अपने शहर को स्वच्छ रखिए, और ये कहेंगे मतलब योगी आदित्यनाथ जी ने इतना सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं, मगर हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम इस पर ध्यान दें, सफाई पर ध्यान दें। हाँ धन्यवाद सब गोरखपुर वासियों। जी मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, मैं राम जानकी नगर बसारतपुर में रहता हूँ। मेरा भी यही अपील है कि लोग थोड़ा इस पर ध्यान दें, गंदगी ना करें, इसको संभाल के रखें और इस परंपरा को जीवित रखें जी। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है इस धरोहर को जिंदा रखे हुए हैं, कि हम लोग को भी अच्छा लगेगा, हम लोग भी कि यहाँ से गुजरेंगे कि इतनी अच्छी कलाकृतियाँ बन रही हैं। और भाई हम लोग अब यहाँ के जो नागरिक हैं उन लोगों से भी ये अपील है कि हम लोग अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, झाड़ू लगाते सब कुछ करते हैं, तो अब ये अपना गोरखपुर को भी अपना एक घर मान के समझे और उसको भी साफ सुथरा रखें, तभी तो हम लोग का गोरखपुर भी साफ सुथरा रहेगा, सर्वेक्षण अभियान में प्रथम या फिर द्वितीय स्थान आएगा। जी जी जी, नागरिकों से भी यही उम्मीद है कि वो भी अपने घर की तरह इसको शहर को समझें जी, और साफ सुथरा रखें, कहीं गंदगी ना करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना अच्छा समय दिया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही काम मिलता रहे, नया नया काम आता रहे और आप लोग ऐसे हंसते पुसते रहे, ताकि और भी एक कलाकृति आप लोग और भी आगे आने वाले जनरेशन को भी सिखाएं, ताकि ये चीज जिंदा रहे, धीरे धीरे विलुप्त ना हो, जिंदा रहे। बस यही वो एक वो है कि विलुप्त ना होने पाए जी, अगर वो बन जा रहा है उसको तोड़े नहीं, तोड़े नहीं उसको, उसको संभालें, संभाल के रखें। मंत्री जी का बहुत वो है कि इस लाइन को ऊपर ध्यान दिए जी।
अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।